आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, पहले क्वेश्चन का सोर्स बता देता हूँ। ये एसएससी ने पूछा है प्री में 18 अप्रैल शिफ्ट वन, ठीक है, सवाल है। और यही एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से पूरी शिफ्ट को डिफिकल्ट के तौर पे बच्चे देख रहे थे। अगर इस शिफ्ट में से कोई और भी क्वेश्चन आपको लगे चैलेंजिंग, या अपनी शिफ्ट में से कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, करवा देंगे। सवाल देखो, एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया किसी कैपिटल अमाउंट से। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उसको 60% प्रॉफिट हो गया। उसने 50% डोनेट कर दिया टोटल कैपिटल, यानी प्रॉफिट और अमाउंट मिला के, जो भी अमाउंट था उसके पास वो मिला के। और ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर, उसने सेम प्रोसीजर फॉलो किया आफ्टर द सेकेंड और थर्ड ईयर, मतलब 3 बार ये प्रोसेस फॉलो हुआ। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स उसके पास इतने रुपए बचे। फाइंड द इनिशियल अमाउंट विद विच द मैन स्टार्टेड हिज कैपिटल। देखो, इसको दो मेथड से बता देंगे, एक मेथड वन ट्रेडिशनल और एक बैकवर्ड अप्रोच से। बैकवर्ड अप्रोच से भी कर सकते हो। बैकवर्ड अप्रोच से ये फायदा हो जाएगा, वर्बली हो जाएगा, ठीक है। आप पहले ट्रेडिशनल देख लो। ट्रेडिशनली का मतलब क्या होता है, बेसिक से। मान लीजिए अगर मैंने बोला कि उस बंदे के पास 100 रुपए थे, प्रॉफिट कमा लिया 160 हो गए, 60% प्रॉफिट कमा लिया। इस 160 में से 80 डोनेट हो गए, बचे कितने? आपने बोला 80 बचे। इस पे फिर उसको प्रॉफिट हो गया, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 60% प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर अमाउंट बनाना है तो उसको 160% बनाना पड़ेगा, या फिर आप उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.6 की जगह आप 16/10 या फिर 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे कह सकते हो, मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूं या 8/5 से मल्टीप्लाई करूं, या 160% बना दूं, या 60% जोड़ के 80 में फिर जोड़ दूं, बात एक है। तो मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 128 हो गया। फिर उसने 64 डोनेट, यानी 50% डोनेट कर दिए, बटे बचे हुए फिर 64, क्योंकि तो उसने 2 बार और करना है, मतलब एक बार और हो गया, एक बार और करेगा, 64 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, 64 है। इस पे फिर उसने कितना मल्टीप्लाई करोगे, 8/5, तो आपने बोला 1.6 कर सकता हूँ, 16 चौक 64, हासिल है 6 16 96, 102, 102.4 हो गया, ठीक है। फिर इसने आधा, यानी 51.2 डोनेट कर दिया, ये भी डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, बचा कितना, 51.2। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी 51.2% की वैल्यू, क्योंकि मैंने 100 से शुरू किया था, 100% मान लो, 100 यूनिट मान लो, आपकी मर्जी है। 51.2% की वैल्यू आपको दे रखी है, 15360। तो जैसे ही मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है 30,000 आंसर, ठीक है। और कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई है सीधा, और जीरोस का खेल। ये है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हमने सीधा सीधा 100 रुपये, माने हमने बोला 100% उस पर अमाउंट थी, यहाँ पर 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि प्रॉफिट मिला, तो 1.6 से मल्टीप्लाई 160 हो गया। 80 डोनेट, बचे हुए 80 में से उसने इन्वेस्ट कर दिया, फिर 1.6, 128, 64, 50% डोनेट, फिर बचे हुए 64 को फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर प्रॉफिट 102.4, 51.2, फिर डोनेट, फिर बचा हुआ इसके पास ये लेफ्ट है, डोनेट 3 बार उसने किया। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज पे, आप देख सकते हैं कि क्या है। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। बैकवर्ड बहुत ही आसान है, प्रोसेस सेम है, दिमाग में आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया एक तरीके से कि 160% या फिर 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 15360, तो 10 यूनिट बैकवर्ड चल रहा हूँ, नीचे से ऊपर चल रहा हूँ, सबसे नीचे वाला पढ़ लिया। तो आपने बोला ठीक है, लेफ्ट भी इतना, मतलब इतना आपको पता है 16 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, आपने 16 से अगर इसको काटा, 16 नहीं 100 चला, 960 हो गया, तो इतना हो गया। अब आप बोलोगे कि इसको, क्योंकि ये 50% वाली बात थी ना, हाफ कर रहे थे तो अब हम डबल कर देंगे, यानी आपने बोला फिर से 16% की वैल्यू, इसका डबल, तो 192,00, 10 यूनिट की वैल्यू निकालो। अब यार ये इस लेवल पे हर किसी का नहीं होता, तो ऐसे मत सोचना कि हाँ यार हमें तो नहीं आती ये वाली मैथ्स, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला 19,200 था, 12,000 हो गया 10 यूनिट की वैल्यू, फिर से डबल कर दो इसको, दो यहाँ पे डबल किया था, यहाँ पे डबल कर दिया, 24,000,
16 की वैल्यू 24,000, तो आपका 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15,000, फिर से डबल कर दो तो 30,000 रुपए थे आपके पास, खत्म हो गई बात। थोड़ा वर्बली हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, लगभग ज्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें। एग्जाम प्रेशर में ये बैकवर्ड अप्रोच से करना बहुत हर किसी का बस की नहीं होता, जिसकी अच्छी खासी मैथ्स चल रही होती है वो कर सकता है। ठीक है, क्या किया मैंने, पीछे स्टार्ट किया, मैंने बोला 1.6 की वैल्यू मतलब 160% की वैल्यू 100% की ये डबल कर दिया, क्योंकि हम जब फॉरवर्ड आ रहे हैं तो हाफ कर रहे थे, बैकवर्ड जाएंगे तो डबल करेंगे, तो वो चीज़ है। फिर यहाँ पर आपकी 16 की वैल्यू 10 की वैल्यू आ गई, फिर आपने डबल कर दिया 16 की वैल्यू 10 की वैल्यू आ गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं आपने सीखी या नहीं सीखी, बट कोई बात नहीं, आप अगर ट्रेडिशनल जानते हैं तो आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेंस में आएगा ही आएगा, और कोशिश ये रहती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे पाएं, क्योंकि जो पेड बैचेस तो रहते ही हैं उसके अलावा भी कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो चाहे वो मेरे पेड स्टूडेंट हो, उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखने। ठीक है, तो आप शॉर्ट वीडियो तो स्किप करेंगे ही नहीं, जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसमें इसको एक रूटीन बना के रखिए, आपका फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा हमारा मानना है और यही हम चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो। चलिए, अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बस देख लेते हैं, कुछ कमेंट वगैरह नहीं करते, अच्छी आदत बनाओ, थोड़ा अप्रिशिएट करना सीखो और लाइक भी कर दिया करो सेशन को। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। मुझे मत समझाओ, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है, यही अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो पॉजिटिव में जाता है। डोंट यू टीच मी मैथ्स।